साल 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को इस हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में ब्रज बिहारी प्रसाद हत्या के आरोपों से सभी 8 लोगों को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच सबूतों के अभाव में अभियुक्तों को बरी करने के पटना हाईकोर्ट के साल 2014 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी और पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी के अलावा सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बताया जाता है कि ब्रज बिहारी प्रसाद को मारने के लिए श्री प्रकाश शुक्ला समेत कई लोग कार से गए थे और उन्होंने अस्पताल परिसर में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। इस मामले में मुन्ना शुक्ला और सूरज भान सिंह को भी अभियुक्त बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुन्ना शुक्ला खुद बिहार के वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर वैशाली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उनकी हार हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रज बिहारी प्रसाद ने इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और वो बाद में ठेकेदारों के साथ साझा व्यवसाय या बिजनेस में शामिल हो गए थे। ठेकेदारी की वजह से ही मुजफ्फरनगर के ही एक दबंग छोटन शुक्ला से ब्रज बिहारी प्रसाद के गुट की अदावत शुरू हुई थी। ब्रज बिहारी प्रसाद अपने साथ बिहार के बेगूसराय के कई लोगों को अपने साथ रखते थे। इस अदावत में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला भी करवाए थे। ब्रज बिहारी प्रसाद बाद में राजनीति में आए और पूर्वी चंपारण के अदापुर से विधायक बने थे। वो मुजफ्फरनगर में रहते थे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को उठाकर की थी। इस तरह से वो लालू प्रसाद यादव के करीबी भी हो गई थी। साल 1990 का दशक भारत में बिहार समेत उत्तर भारत में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल वाला दौर था। एक तरफ बीजेपी देश भर में राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती दे रही थी, वहीं वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते भारत में मंडल आयोग की सिफारिशों और आरक्षण को लेकर हंगामा हो रहा था। इस दौर में बिहार में अक्सर गैंगवार सुर्खियों में रहता था और आम लोगों के बीच इसकी चर्चा बहुत आम थी। 1990 के दशक की शुरुआत में बिहार में आरक्षण को लेकर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी हो रही थी। पुराने राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बाहुबली और रॉबिन हुड वाली छवि के नेता भी राजनीति में आगे बढ़ने लगे। इस दौर में बिहार की सियासत में एक नाम उभर कर सामने आया था, वह नाम था छोटन शुक्ला का। छोटन शुक्ला उस वक्त आनंद मोहन की पार्टी सीट से चुनावी लड़ने वाले थे। दरअसल यहां वामपंथी विधायक यमुना प्रसाद को चुनौती देने के लिए आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला को आगे बढ़ाया था। छोटन शुक्ला की हत्या 4 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरनगर में कर दी गई थी। छोटन शुक्ला भूमिहर बिरादरी के नेता थे और बिहार के ही अन्य बाहुबली नेता आनंद मोहन के करीबी थे, जो खुद राजपूत बिरादरी से थे। छोटन शुक्ला की हत्या ब्रज बिहारी प्रसाद के घर के पास ही कर दी गई थी। छोटन शुक्ला की हत्या के दूसरे दिन यानी 5 दिसंबर को उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही आक्रोशित भीड़ ने IAS अधिकारी जी कृष्णैया पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में पूर्व सांसद आनंद मोहन को सजा हुई थी। छोटन शुक्ला हत्याकांड मामले का कोई कानूनी नतीजा नहीं निकला। माना जाता है कि इससे उनके समर्थकों में काफ़ी नाराजगी देखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि बाद में बिहार में श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री के पीछे छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने का भी एक कारण था। 13 जून 1998 को बिहार में राबड़ी देवी की तत्कालीन सरकार में मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की पटना के IGIMS अस्पताल में हत्या कर दी गई थी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।